हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज रावत फ्रॉम उत्तराखंड और मैं हमेशा आपके सपनों के साथ हूँ। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत का अंत नहीं होता और मुसीबत आए बिना कभी आंखें नहीं खुलती। जिंदगी में कभी बुरे दिन से सामना हो जाए तो इतना याद जरूर रखना कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। जिंदगी में कभी बुरे दिन से सामना हो जाए तो इतना याद जरूर रखना कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। सभी शब्दों में जिंदगी को सबसे अधिक बर्बाद करने वाला शब्द कल होता है। कभी कभी ज्ञान की अधिकता अहंकार को जन्म दे देती है। जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन बुरा कदापि नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसको चलना ही ठोकरों ने सिखाया हो। काश इंसान भी नोटों की तरह होता, रोशनी की तरफ देखने पर असली है या नकली पता चल जाता। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो झाड़ू लगाते हैं, वरना पोछा लगाने वालों को तो हमेशा पीछे हटते देखा है। जिनके वजूद होते हैं वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं। इंसान और पतंग अगर ज्यादा हवा में उड़े तो समझ लेना जल्द ही वो कटने वाले हैं। ठोकरों से घिरो तो कोई बात नहीं, बस किसी के नजरों से मत घिरना। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिएगा। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब होता है। लोग लंबाई और चौड़ाई तो नापते हैं, लेकिन गहराई कोई नहीं देखता। हौसला मत हार गिरकर ऐ मुसाफिर, अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। मेरी मानो तो दिल खोल कर जियो। उम्र, दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। माफ करना और शांत रहना सीखिए। आप एक ऐसी ताकत बन जाओगे कि आपको पहाड़ भी रास्ता देंगे। रिश्तों को गलतियां उतना कमजोर नहीं करती जितना कि गलतफहमियां कमजोर कर देती हैं। घर का दरवाजा अगर छोटा है तो उसे छोटा ही रहने दो। जो झुक कर अंदर आ गया समझ लो वही अपना है। देर तक सोया मत रह बंदे, पल अनमोल बीत रहा। समय के संग संग चलने वाला हर मोर्चे पर जीत रहा। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। धन भी क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने, जिसको लगभग सभी लोग अपने निधन तक इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। आप असली जिंदगी के अगले पार्ट को तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक पिछले पार्ट को याद करते रहोगे। वो कोई और चिराग होते हैं जो हवाओं से बुझ जाते हैं। मैंने तो जलने का हुनर उन तूफानों से सीखा है। भले ही मेरे अंदर लाख बुराई है, लेकिन मैंने आज तक अपने फायदे के लिए किसी को धोखा नहीं दिया। किसी के अकेलेपन का मजाक मत बनाइए साहब। आपके पास जो भीड़ खड़ी है वो भी किसी मतलब से खड़ी है। कई दफा यह जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि अगर सब बता दिया जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। ख्वाहिशें कम हो तो आ जाती हैं पत्थरों पर भी नींद, वरना चुभता है मखमल का बिस्तर भी। जिंदगी को अगर खुल कर जीना है तो थोड़ा सा झुक कर जियो, फिर देखो ऊपर वाला आपको कितना ऊंचा उठा देता है। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलना। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर ये